हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में अंतिम वीडियो। इसमें बचे हुए कुछ राजवंश जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन राजवंशों को हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का ये जो सीरीज है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक और कॉमेंट्स करें, ताकि हम यहाँ से मध्यकालीन भारतीय इतिहास को शुरू कर सकें। और अभी तक जो वीडियोज़ बने हैं उनके प्ले लिस्ट के लिंक आपको दे दिए जाते हैं, ताकि इतिहास का ये जो प्राचीन भारत का सीरीज जो है वो पाषाण काल से लेकर के यहाँ तक जो है एक श्रृंखलाबद्ध रूप से दिया गया है। तो आप पहले वीडियो से लेकर के यहाँ तक अगर क्रम से देख लेंगे तो प्राचीन भारत के प्रमुख बिंदुओं को या जो ऑब्जेक्टिव्स है या उसकी समझ है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी हो जाएगी। तो एक बार फिर से जो है शुरू से लेकर के इस अंतिम वीडियो तक क्रम से देख लें, आपकी तैयारी प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत को। तो कमेंट करना ना भूलें और कमेंट निश्चित रूप से करें। आज की वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं बंगाल के राजवंश की, कि बंगाल के क्षेत्रों में कौन से वंश हुए और उनसे कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और कश्मीर के राजवंश की, कि कश्मीर के क्षेत्र में कौन से राजवंश हुए और उनसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं स्पेशली बता दूं कि बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश और सेन वंश, ये दो वंश हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कश्मीर के इतिहास के क्रम में अगर देखा जाए तो कल्हण और राजतरंगिणी जैसे कुछ बिंदु हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को स्पेशली हम लोगों ने समेटा है। और कुछ पॉइंट जो है हम लोग मैप के सहारे तथा कुछ पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बंगाल के राजवंश से। तो बंगाल के राजवंश में सबसे जो पहला जो प्रमुख है वो पाल वंश है। ये केवल बंगाल के क्षेत्र में नहीं बल्कि बंगाल बिहार के क्षेत्र में जो है विस्तृत था पाल वंश, और एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में जो है इस क्षेत्र के, पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्वपूर्ण वंश के रूप में इसे जाना जाता है। ये परिस्थितियाँ क्या थी उसको थोड़ा समझ लेते हैं तो आसान होगा। गुप्त वंश के पतन के बाद ये जो पूरा का क्षेत्र था ये भारत का, इसमें हर्षवर्धन कुछ समय के लिए अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और एक मजबूत शासन स्थापित करते हैं। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक ऐसी अराजक स्थिति बनती है कि इन संपूर्ण भाग में भारत के किसी भी मजबूत राजा का प्रवेश नहीं होता है, मजबूत राजा देखने को नहीं मिलता है। नतीजा ये होता है कि बंगाल के क्षेत्रों में एक अराजक स्थिति बन जाती है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही होती है। उसी क्रम में कुछ विद्वानों ने मिलकर के गोपाल नामक व्यक्ति को जो है इस पाल वंश का राजा बनाता है। अर्थात बंगाल की सत्ता जो है एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति गोपाल के नाम में सौंप दी जाती है। और गोपाल के बाद जितने भी शासक आए उन सब के टाइटल में पाल लगे हुए थे, इसीलिए हम लोग इसे पाल वंश के रूप में जानते हैं। तो बुद्धिजीवी गोपाल के समय से शुरू हुआ यह वंश श्रृंखला मदनपाल तक जाकर के समाप्त होता है। तो इसी विभिन्न राजाओं के बीच में जो महत्वपूर्ण बिंदु उभर करके सामने आए जिनसे प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ इस कन्नौज की स्थिति को देखेंगे जहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो शुरू हुआ था। सबसे पहले आते हैं गोपाल जो इसके संस्थापक थे पाल वंश के। इन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की, और मैंने बताया कि कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर के जो है गोपाल को शासक बनाया और वहीं से जो है पाल वंश की स्थापना शुरू होती है। इस समय जो राजधानी थी वो मुंगेर थी इनकी। तो कई बार प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पाल शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर थी, मुंगेर में इनकी राजधानी थी। और इसके जो प्रमुख शासक हुए तो पहला शासक गोपाल और दूसरा जो था धर्मपाल, इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसके अलावा देवपाल, नारायणपाल, महीपाल आदि इसके प्रमुख शासक हुए, जिसमें से आपको गोपाल से संबंधित कुछ बिंदु, धर्मपाल से संबंधित, देवपाल से संबंधित और महीपाल से संबंधित कुछ बिंदु हैं जिनसे प्रश्न बना करके पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले गोपाल की। तो गोपाल से संबंधित एक पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार पूछा गया कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गोपाल के द्वारा की गई थी। ये निश्चित रूप से आप इसे याद रखेंगे क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा नेशनल स्तर पर किसी भी राज्य के एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है।
बात करें अन्य शासकों में तो इस वंश का जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रतापी शासक था वो था धर्मपाल। धर्मपाल इस वंश का सबसे प्रतापी राजा इसलिए भी था कि उसने जो है न केवल साम्राज्य विस्तार को महत्व दिया, उसने अपने साम्राज्य के आकार को बढ़ाने पर ध्यान दिया, बल्कि उसने कला, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों के विकास में भी योगदान दिया था। उदाहरण के लिए बात करें तो धर्मपाल के समय ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म से संबंधित था और वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है वो भागलपुर बिहार में है। हालांकि इसके अवशेष बहुत ही कम बचे हैं, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में उस समय चर्चित था। तो आप याद रख सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। और ये किस धर्म से संबंधित था, तो विशेषकर बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में भी किस शाखा से, तो महायान शाखा से संबंधित ये विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान अवस्थिति के हिसाब से देखें तो भागलपुर बिहार में इसकी अवस्थिति थी, जो कि झारखंड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, झारखंड पीसीएस एग्जाम में। तो विभिन्न पीसीएस एग्जाम में इनसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। धर्मपाल ने न केवल ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, बल्कि एक सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुर, महाविहार जो है ये भी धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। इसके अतिरिक्त पालों के शासनकाल में कांसे की मूर्तियों का बड़ी संख्या में निर्माण किया गया था। उसी कांसे की मूर्तियों की तुलना जो है वो चोल काल में बने कांसे की जो नटराज की मूर्ति थी उससे की जाती है। तो कला संस्कृति के दृष्टि से भी धर्मपाल का शासनकाल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। अब बात करते हैं कि धर्मपाल के शासन के समय साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया गया, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया गया। तो इसी समय धर्मपाल के समय शुरू हुआ था पालों के साथ साथ त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है तीन शासकों के बीच अर्थात तीन राजवंशों के बीच निरंतर चले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कई एग्जाम में इससे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ था। तो ये जो कन्नौज का क्षेत्र था, इस कन्नौज के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए एक तरफ से पाल, दूसरी तरफ से प्रतिहार और तीसरी तरफ से राष्ट्रकूटों के बीच कई बार संघर्ष चलते रहे और इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि पाल, ये याद रखेंगे पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बीच, राष्ट्रकूटों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और त्रिपक्षीय संघ किसके लिए हुआ था, तो कन्नौज के लिए हुआ था। क्यों हुआ था, तो कन्नौज की जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, वो भारत के लगभग केंद्र में थी। तो ये हर वंश यही चाहता था कि अगर उनका शासन बीच वाले केंद्रीय भाग पे होगा तो वहाँ से संपूर्ण भारत पर शासन चलाना आसान हो जाएगा। यही कारण था कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच निरंतर इसके लिए संघर्ष चलते रहे और इसी संघर्ष को नाम दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष। अब बात करते हैं धर्मपाल की। तो धर्मपाल पालों की ओर से वह प्रथम शासक था जिसने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि राष्ट्रकूटों की तरफ से जो है पाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले शासक, तो वो आपको अब ध्यान होगा। तो उसी तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष के क्रम में पालों की ओर से भाग लेने वाला जो प्रथम शासक था वो धर्मपाल था। तो धर्मपाल तक के जो ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इसे आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो सबसे पहले गोपाल, फिर मुंगेर इनकी राजधानी, प्रमुख शासक उदंतपुरी गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया, जबकि विक्रमशिला एवं सोमपुर धर्मपाल द्वारा बनाया गया, और त्रिपक्षीय संघर्षों में भाग लेने वाला प्रथम शासक जो पालों के थे वो धर्मपाल ही थे। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बनकर के आता है, और देवपाल से रिलेटेड जो एक ही पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि देवपाल जब शासन कर रहा था तो भारत का संबंध पूर्वी भाग में स्थित विभिन्न जो द्वीपीय देश थे, जो जावा द्वीप या इंडोनेशिया द्वीप समूह थे, उनके साथ अच्छे संबंध थे। तो जावा के शासक ने देवपाल से यह अनुरोध किया कि मैं भी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बनवाना चाहता हूँ, और इस बात को स्वीकार करते हुए देवपाल ने जावा के शासक बाल पुत्र देव को अधिकार दिया कि वो आकर के यहाँ नालंदा में निर्माण करा सकते हैं। तो इसी संबंध में प्रश्न जो है वो विभिन्न पीसीएस एग्जामों में, इवन आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है।
तो आप इसे याद रखेंगे कि देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शासक शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव, ये नाम याद रखेंगे बालपुत्र देव, और कौन से वंश के शासन थे, तो शैलेंद्रवंशी शासक को 5 गांव दान में दिए थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए देवपाल ने किस शासक को या किस वंश के शासक को या कहाँ के शासक को 5 गांव दान में दिए थे, या कई बार ये पूछा गया है कि शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव ने किस से बौद्ध विहार बनवाने के लिए जो है 5 गांव प्राप्त किए थे, तो देवपाल से। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इनसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपने कल के वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि महीपाल से संबंधित जो है प्रश्न आपको देखने को मिले थे कि कैसे महीपाल के समय जो है चोलों का आक्रमण होता है और देखते ही देखते पाल वंश पर जो है राजेंद्र चोल के द्वारा जो है मूल रूप से पालों को पराजित कर दिया जाता है और चोल वंश जो है वो पालों की सीमा में घुस जाते हैं। और आपने पढ़ा था कि गंगेकोट चोल और गंगेकोट चोलपुरम, इस तरह के विभिन्न बिंदु आपको देखने को मिले थे चोल वंश के दौरान। तो पालों का पतन हो जाता है और पाल वंश देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं। पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो मदन पाल थे, ये निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाल वंश को याद करना बहुत ही आसान है, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में जो है पाल वंश का शासन चलता था, और पाल वंश से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखें तो आसानी से इन मुख्य बिंदुओं को आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं सेन वंश की। तो सामंत सेन जो थे इस पाल वंश के संस्थापक थे, और इनकी जो राजधानी थी वो थी नदियाँ। नदियाँ जो बंगाल क्षेत्र में पड़ता है लखनौती के पास, वो नदियाँ जो है सेन वंश की राजधानी थी। तो यहाँ से दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्थापक एवं राजधानी से। बात करें सेन वंश के प्रमुख शासक की, तो बल्लाल सेन इसके शासक थे, और सेन वंश का जो साम्राज्य क्षेत्र था यह भी बंगाल के क्षेत्र में ही था। तो पालों के जाने के बाद कुछ समय तक बंगाल के क्षेत्र में खाली जगह बना रहा, और फिर वहां पे एक वंश उभर करके आता है जिसका नाम है सेन वंश, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वंश का सबसे प्रमुख शासक बल्लाल सेन उभर करके सामने आया। दान सागर और अद्भुत सागर जैसे पुस्तकों की रचना जो है ये बल्लाल सेन ने ही की। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना किस शासक ने की थी, सेन वंश के किस शासक ने की थी, तो बल्लाल सेन ने इसकी रचना की थी। इस वंश का सबसे अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था, जिनसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो थे वो बंगाल के अंतिम शासक थे और गीत गोविंद के रचयिता। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इवन कई बार आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की। और ये जो जयदेव इसके लेखक थे ये किनके दरबार में रहते थे, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे। तो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए वो ये है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जब बिहार बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण किया, और आक्रमण करने के क्रम में उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, और बिहार को ध्वस्त करते हुए जब वो बंगाल के क्षेत्र में पहुँचा तो लक्ष्मण सेन अपना किला छोड़ करके भाग जाते हैं, और यहीं से समाप्त हो जाता है सेन वंश। तो अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे, और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय उसने अपना किला छोड़ दिया, और अंततः बंगाल के क्षेत्र में जो है बख्तियार खिलजी का शासन प्रारंभ हो जाता है और सेन वंश का शासन समाप्त हो जाता है। तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो लक्ष्मण सेन था, क्योंकि यहाँ से बख्तियार खिलजी के समय से जो इस्लामिक सत्ता स्थापित होती है बंगाल के क्षेत्र में, वो अंग्रेजों के आने तक जो है वो इस्लामिक सत्ता ही बनी रह जाती है, और उसके उपरांत जो है सीधे स्वतंत्रता मिलती है भारत को, अर्थात बंगाल के क्षेत्र
क्षेत्रों को। तो इस तरह से बंगाल के क्षेत्र के अंतिम हिंदू शासक के रूप में लक्ष्मण सेन को जाना जाता है। सेन वंश के दौरान जो है कई अभिलेखों का निर्माण कराया गया, उसमें से अभिलेखों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सबसे पहले हिंदी में जो है अभिलेखों का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था। तो इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा था कि ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, इवन संस्कृत में जो है अभिलेखों का निर्माण कराया गया, लेकिन हिंदी में सबसे पहले जो है अभिलेखों का निर्माण जो है वो किस वंश के दौरान कराया गया, तो सेन वंश के दौरान कराया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु सेन वंश से जुड़े हुए। तो अभी तक हम लोगों ने बंगाल राजवंश के क्रम में पाल वंश और सेन वंश, जो दो महत्वपूर्ण वंश थे बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में, उसे हम लोगों ने पढ़ा। अब एक और पढ़ सकते हैं यहाँ पे कश्मीर के राजवंश के संबंध में। यहाँ से बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं हमने उसी को विशेष रूप से फोकस किया है। तो कश्मीर के क्षेत्र में तीन वंश देखने को मिलते हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पहले कौन वंश आया था। तो याद रखेंगे कि कारकोट वंश पहले आया था, उसके बाद उत्पल आया था और फिर लोहार वंश। ये तीन वंश आए थे जो कश्मीर के क्षेत्र में शासन करते हैं। उसके बाद फिर कश्मीर भी अधीन हो जाता है और मध्यकालीन भारत में जो है जैनुल आबदीन को जो है वहाँ का अकबर कहा जाता है कश्मीर का। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है। अब यहाँ से कश्मीर से जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं को ध्यान देंगे तो इनमें सबसे प्रमुख जो वंश था जिनसे प्रश्न पूछा जाता है वो था लोहार वंश। जो सबसे अंतिम वंश था लोहार वंश, वो सबसे प्रमुख कश्मीर का राजवंश कहलाता है। और इसके जो सबसे प्रमुख शासक थे उनका नाम था हर्ष। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के शासक थे, यहाँ सीधा नाम हर्ष है। लोहार वंश के एक प्रमुख शासक हुए हर्ष, और उसी हर्ष के दरबार में रहते थे कल्हण। ये कल्हण जिनको आप जानते हैं राज तरंगिणी के लिए, ये किसके दरबार में रहते थे, तो हर्ष के दरबार में रहते थे। और वह हर्ष किस राजवंश से जुड़ा हुआ था, तो लोहार वंश से जुड़ा हुआ था। और हर्ष के दरबार में ही राज तरंगिणी के मतलब रचना हुई और कल्हण ने इस राज तरंगिणी की रचना की। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि राज तरंगिणी की रचना किसने की, तो कल्हण ने की। कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना की और इसमें जो उसने वर्णन किया, विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है, लोहार वंश के इतिहास का वर्णन किया है। हालांकि राजतरंगिणी के माध्यम से जो है वो मौर्य और गुप्तों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके अलावा जलवायु और पर्यावरण से संबंधित जानकारियां भी, नदियों से जुड़ी हुई जानकारियां भी मिलती हैं, लेकिन विशेष रूप से जो राजतरंगिणी में चर्चा की गई है वो कश्मीर के इतिहास को किया गया है। तो ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि कल्हण की राजतरंगिणी से किस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। तो स्पेशली ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, इस कश्मीर के क्षेत्र के इतिहास के संबंध में जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है राज तरंगिणी। और कश्मीर के क्षेत्र में जो तीन प्रमुख शासन हुए थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश का शासन यहाँ चला था। तो इतना ही जरूरत है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर के लिए, बहुत है। अब बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में कुछ अन्य क्षेत्रों में जो वंश हुए थे, तो उसमें दक्षिण भारत में कुछ यादव वंश, कारकोट वंश और गंग वंश से संबंधित कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है कि छोटे छोटे वंशों को भी सबको पढ़ाया जाए, लेकिन एक ओवरव्यू निश्चित रूप से आप लोगों को इस वीडियोज़ के माध्यम से प्राचीन भारत का मिल गया होगा। अब इसके बाद अगर आप एक श्रृंखला से पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक देख लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप किसी बुक को पढ़ते हैं या ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं या ऑब्जेक्टिव्स पर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से उस चीज़ को आप टेकल कर पाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अपने लाइफ में निश्चित रूप से सफल हो पाएं और वो सब कुछ कर पाएं जो आप करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हैं या आप अपने माता पिता को खुशी देना चाहते हैं। तो हमारा ये सपना है कि आप भी अधिकारी बने और आगे बढ़ें। तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लगा ये पूरा प्राचीन भारत का सीरीज, निश्चित रूप से कॉमेंट करके बताएं। लाइक और कॉमेंट्स आपके हमें बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। अगर ये श्रृंखला पसंद आई होगी तो जल्द ही हम लोग मध्यकालीन भारत की श्रृंखला भी शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।